जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हरदोई जनपद में शिक्षिका का आराम फरमाते वीडियो वायरल हुआ। शिक्षिका ने क्लासरूम में बच्चों से हाथ दबवाए, पढ़ाने की बजाय धमकाकर बच्चों से सेवा करवाई जा रही है। विकासखंड 52 के पोखरी प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। आपको हम बताते चलें कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर जहां सरकार हर कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों का ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां वीडियो हरदोई जनपद के 52 विकासखंड के पोखरी प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर उर्मिला नाम की शिक्षिका द्वारा बच्चों से हाथ दबवाए जा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा बताया गया है कि वीडियो सामने आने पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया, जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई और जांच होने के बाद आगे विभागीय कार्यवाही की जाएगी। सर, 52 के पोखरी प्राथमिक विद्यालय का एक मामला आया है जिसमें शिक्षिका बच्चे से सेवा करा रही है, इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? मीडिया के माध्यम से यह वीडियो मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टया शिक्षिका दोषी पाई गई है, उनके निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है और खंड शिक्षा अधिकारी से जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर को प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर आप संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्ले स्टोर से JBT आवाज ऐप डाउनलोड जरूर करें।